देवाक्षर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आइए आज हम तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की दो बहु प्रसिद्ध चौपाइयों की व्याख्या श्री शारदा मठ की सन्यासिनी माता जी प्रवराजिका अंबर प्राणा जी से सुनते हैं। जननीम शारदा देवी राम कृष्ण जगद्गुरु पाद पद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मंगल भवन अमंगल हारी रवह शुद्ध शरथ अधीर बिहारी विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी कलयुग केवल नाम अधारा सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पाला मंगल भवन अमंगल हारी द्रवह शुद्ध शरथ अधीर बिहारी दशरथ के आंगन में विहार करने वाले प्रभु राम मेरे ऊपर भी द्रवित होए ऐसा तुलसीदास जी प्रार्थना कर रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी समस्त मंगलों को देने वाले समस्त अमंगलों का नाश करने वाले प्रभु राम मुझ पर द्रविभूत होए उनका मन मेरे ऊपर द्रविभूत होए ऐसा तुलसीदास जी प्रार्थना कर रहे हैं। कौन प्रभु जो दशरथ के आंगन में विहार करते हैं घूमते हैं आनंद देते हैं वात्सल्य रस का उपभोग कर रहे हैं पिता दशरथ वो प्रभु राम हम भक्तों पर द्रविभूत हों उनका मन हम पर पसीज जाए ऐसी भक्त प्रार्थना करता है। तो वही है कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवह सुदशरथ अजर बिहारी। फिर एक जगह आता है सुंदरकांड में माँ जानकी जब अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं भगवान से प्रार्थना करती है। कुछ सेलेक्टेड चौपाइयाँ हैं जो हम लोग सब भारतीय लोग विशेष करके उत्तर भारत के लोग भक्त लोग व्यवहार करते हैं इन चौपाइयों का माने अपने प्रैक्टिकल जीवन में कैसे। तो माँ जानकी वहाँ पर महावीर जी हनुमान जी पहुँच गए हैं प्रभु का संदेश लेकर। तो अब महावीर जी मांगते कि मैं क्या संदेश दूँ तुम्हारा माँ जाके प्रभु को। तो माँ जानकी कहती हैं कि कहो दीन दयाल विरद संभारी हरम नाथ मम संकट भारी। ऐसा संकट हमारी माता जानकी को अशोक वाटिका में कहाँ राक्षसों के कुल में जाके बैठना पड़ा। तो प्रभु को याद करते हुए कहती कि प्रभु तुम्हारा तो संकल्प है कि तुम भक्तों का दुख दूर करोगे तुमने तो ये विरद संभारी। विरद माने तुम्हारा संकल्प तुम्हारी ओथ तुम्हारी प्रतिज्ञा। तो वो उस संभारी माने याद करके तुम अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके याद करके हे प्रभु हरम नाथ मम संकट भारी मेरे पर ये महान विपद आ पड़ी है सोने का हिरण देखकर माने मोहित हो गई उसके लिए कितना विनाश का आह्वान किया आज उस संकट में पड़ी है। माँ जानकी कहती हैं हरम नाथ मम संकट भारी प्रभु राम से जाकर कहो कि जल्दी से जल्दी मेरा ये संकट निवारण कर प्रार्थना करती हैं। तो हम लोग भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं हम सभी तो संकट में हैं। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए देवाक्षर को सब्सक्राइब करें मित्रों के साथ शेयर करें। आप सभी के प्यार व सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।